2011 में मुझे मौका मिला था अरविंद सूद सर से ये विद्या सीखने का, जिनका मैं आज भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में वाकई ही वो आठ ने टेंशन 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 दे रखी थी। तो लाइफ के अंदर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सर्वोसर्वा है, कुछ भी आप कर लो आप लाइफ में डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं कर सकते। तो सब लिखो मेरी डेट ऑफ बर्थ 17th November 1971। अभी अपनी डेट ऑफ बर्थ में घर जाकर काम करेंगे, आज मेरी डेट ऑफ बर्थ में काम करेंगे 17th November 1971। पहले ये नोशन ग्रिड बनाओ जो आपके सामने है 17th November 1971। 17th के ऊपर लिखो डेट, 11 के ऊपर लिखो मंथ और 1971 के ऊपर लिखो ईयर। सबसे पहले ये लोशन ग्रिड बनाओ देख के 4923578 16। ये फिगर्स जहां पे आ गई है ये फिगर्स कभी चेंज नहीं होगी। अगर आप घर पे लक्ष्मी माता की पूजा करते हो तो कभी पंडित जी आए इस दिवाली पे तो उनसे पूछना ये जो आप बना रहे हैं दिवाली पे क्या वो यही है, वो कहेंगे यस ये यही है। इसको आप कहीं से भी टोटल करो इसका टोटल 15 मतलब 17/11/1971। इसको आप कहीं से भी टोटल करो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डायगोनल इसका टोटल 15/6 पे आता है, देखो आप करके। क्योंकि तभी हम कहते हैं ये है शुक्र प्रधान युग, यही कहते हैं ना शुक्र प्रधान युग चल रहा है, इसी की वजह से चल रहा है। जब भी हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं तो उनसे क्या मांगते हैं, क्या मांगते हैं लक्ष्मी माता जी से? पैसा पैसा पैसा। तो इसी को क्या करना है, अगर आपको पैसा चाहिए तो कल से रोज सुबह उठ के इसी यंत्र को बनाना खुद स्टार्ट करो। पंडित जी को बुलाएंगे दिवाली वाले दिन, पंडित जी एक ही दिन आएंगे पर हम 365 दिन लक्ष्मी माता को थैंक्स बोलेंगे। कैसे? इस यंत्र को रोज बनाना है ग्रीन पेन से। जो इसमें कलर बने हुए हैं वो भूल जाओ, कुछ नहीं है, कलर की कोई वैल्यूएशन नहीं है, सिर्फ बस नंबरों को समझो कलरों को मत समझना। 4923578 16। 492 के एरो आगे लिख लो ये हमारा हेड है, ये देखो ये है हेड, 492 इज अवर हेड, 357 इज अवर स्टमक गले से लेके पेट तक का हिस्सा और 816 इज लेग्स। ठीक है, अब जिसको लगता है उसकी लाइफ में पैसे की कमी है, प्रूवन रिजल्ट है पिछले 4 साल से दे रहे हैं, तो वो कल सुबह से इसको बनाना स्टार्ट करें। आज से भी बनाना चाहते हो घर जाके आज बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक नया रजिस्टर खरीदो, पायलट का V5 पेन खरीदो हरे रंग का और बनाना स्टार्ट कर दो। जिनको मेरी तरह लाइफ में डबल पैसा चाहिए वो इसको डबल लिखेंगे। कैसे? 4499 22 33 55 77 88 11 16 सब डबल लिखना। और ट्रिपल वाला समझदारी ना करे क्योंकि ज्यादा समझदार फिर टेंशन ही हो लेता है। तो डबल मुझे पता है, बड़े सियाने लोग बहुत सारे हैं सर, वो टेंशन दे देगा। सो 4499 22 33 55 77 88 11 16 दैट्स ऑल। एक दिन में 15 दफा एक ही पेज पे मैं भेज दूंगा, संदीप सर आपको भेज देंगे, आपको उसका स्पेसिमेन मिल जाएगा। तो आपको ये रोज करना है, जिनको लाइफ में लगता है पैसे की कमी है और इसको होल लाइफ करो। ये मत समझो कि आज कर लिया कर नहीं करना, 43 दिन कर लिया 180 दिन कर लिया, नहीं होल लाइफ करना है। आप समझते हैं मेरी डेट? जी कुछ नहीं, पैसा चाहिए ना, जब पंडित जी करते थे तब आप क्या करते थे? और जैसे पंडित जी के सामने हाथ जोड़ के बैठते थे उनको भी थैंक यू बोल दो, करना कुछ नहीं, करना उसने है, हम तो सिर्फ थैंक्स कर रहे हैं बस, ये थैंक्स है जी। सो अब आते हैं मेरी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर। 17th नवंबर 1971
हर डेट ऑफ बर्थ में एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है। अरविंद सूद सर ने इसको सिंपल करा, उन्होंने क्या कहा, एक को ड्राइवर बना दिया मूलांक को और भाग्यांक को कंडक्टर बना दिया। ड्राइवर कौन होता है, जो बस को चलाता है, तो ऐसे ही ड्राइवर जो है वो आपकी जिंदगी मेरी जिंदगी को चला रहा है। भाग्यांक कौन है, उसे हम कहते हैं डेस्टिनी नंबर, कि आपका भाग्य आपको कहां लेके जाने चाहता है, कहां लेके जाएगा वो एक अलग बात है, कहां लेके जाना चाहता है, तो वो है आपका डेस्टिनी नंबर या भाग्यांक। तो आप देखोगे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 को ऐड किए तो कितना आया 8, तो मेरा मूलांक है 8। किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो, हाथ खड़ा कर लो। 1 और 7 को जोड़ा, उसको सिंगल डिजिट पे लाए, वो हुआ 8। अब आपने 1 + 7 + 1 + 1 + 1 + 9 + 7 + 1 किए तो टोटल आएगा 28। देखो करके 28 का एक आ गया ना, तो मेरा मूलांक जो है वो है 8 और भाग्यांक है हमारा 1। आज की डेट लिखो आप और सीख लेते हैं। आज की डेट है 13 अगस्त 2023। आदमी को बच्चा पैदा हुआ होगा, बहुत सारे बच्चे पैदा हुए होंगे, तो उनका मूलांक भाग्यांक क्या होगा, 13/8/2023। 13 से आया ड्राइवर 4 आया, क्लियर, और कंडक्टर क्या आया बताओ, 8 आएगा, 1 1 1 1। तो ये सिर्फ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को निकाल के समझना चाहिए। हर एक की डेट ऑफ बर्थ को आप खुद रीड कर सकते हो। जो भी आईपी सिंह सर ने बताया वो सेकंड लेवल था, पहले बिना फंक्शन आना चाहिए था, उसके बाद सर का आता तो आपको और मजा आता कि हाँ भाई हमने ये समझ लिया, अब अगला स्टेप क्या है। अब देखो मेरी ग्रिड में मिसिंग नंबर क्या है, क्या मेरी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर कहीं दिखाई दे रहा है आपको, नहीं है। क्या 3 नंबर, 4, 5, 6, नहीं। ओशो महाराज की डेट ऑफ बर्थ लिखो, अब लिखो ओशो महाराज की डेट ऑफ बर्थ 11 दिसंबर 1931। क्या आया ड्राइवर, क्या आया कंडक्टर, 11 दिसंबर 1931 ना, चेक करो, यही सिखा रहा हूं, यही सिखा रहा हूं। हाँ, 2-1, 2-1, बिल्कुल 2-1। अब ये देखो कि ओशो महाराज के पास कितनी बारी 1 आ रहा है ना, चेक करो। हाँ, अब देखो फर्क आ गया ना। हाँ, जिसकी ग्रिड में लिख लो, जिसकी ग्रिड में 1 का अंक 4 या 4 से अधिक आ गया, उसकी लॉटरी लगी है। अखिलेश यादव की बात, अखिलेश यादव 4 दफा, इंदिरा गांधी 6 दफा, दारा सिंह 6 दफा, ऐश्वर्या राय 4 दफा, नीता अंबानी 4 दफा, अमिताभ बच्चन 5 दफा, और जो आपके सामने खड़ा उसके पास 6 बारी है। अब यहां तकदीर ने कहां मारा यह भी समझना पड़ेगा। जिनकी डेट ऑफ बर्थ के मैंने नाम बोले अभी, उनमें से किसी का मूलांक 8 नहीं है। अगर मेरा ड्राइवर 8 ना होता तो मैं इतना शोर शॉट हूं कि अमिताभ बच्चन मेरे घर पे आए खाना खा के जाता। चलो आपका आशीर्वाद मिल गया, आएगा, बिल्कुल आएगा। सो लाइफ में आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है ये आपको समझना जरूरी है। बहुत आसान विद्या है, कोई इसके अंदर ये नहीं है कि हमें चौथा ग्रह देखना है, छठा ग्रह, अपने को समझ में नहीं आया। बहुत अच्छी विद्या है, बहुत उसको सम्मान है एस्ट्रोलॉजी को, पर थैंक्स टू अरविंद सूद सर जिन्होंने इतने अच्छे ढंग से ये विद्या सिखाई। आपने सिर्फ अपना लोशो ग्रिड बनाओ और अपने मिसिंग नंबर को समझो। और दुख की बात क्या है जो मैं आप बोलने जा रहा हूं, उसको बड़े ध्यान से नोट करना। दुख की बात क्या है, 80% लोगों के पास 5 का अंक मिसिंग है। 80%, क्या आज की डेट में 5 आया, नहीं आया। ग्रेट ग्रेट, अच्छी बात है, थैंक यू सुषमा मैम। पर्पस यही है कि जिनके पास है शायद उनको उसकी तवज्जो नहीं है। आप देखो ओशो रजनीश के पास भी नहीं है,
अगर आप अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ लिखो 11 अक्टूबर 1942, ये अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942। ड्राइवर उनका आएगा 2, कंडक्टर उनका आएगा 1, और एक कांक 5 दफा आ रहा है, उनके पास भी नहीं है। और ये बात श्योर शॉट है, जिसका भी ड्राइवर या कंडक्टर 2-4-8 आ गया, जैसे आज ड्राइवर 4 है। और ये बात भी नोट कर लो कि शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल होगा, लिख लो, शुरू के 40 साल ड्राइवर का रोल होगा और लास्ट के 40 साल कंडक्टर का रोल होगा। ड्राइवर कंडक्टर निकालना मैंने आपको सिखा दिया, बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। और आप देखोगे जब आप कितनी लोगों से मिलोगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर एनालिसिस करोगे, तो आपको समझ में आएगा कि ये 2-4-8 इवन सुसाइड तक करवा देते हैं। अब ये कहानी तो सुना रहे आपको बहुत अच्छी अच्छी, खूब आपको हिसाब है। इनको ये नहीं बताया कि मेरी गाड़ी का नंबर भी 1700 है और ये खुद लेके आए, कुल्हाड़ी पे कूद के आए हैं, क्योंकि वो 2-4 ही करवा रहा था। जो भगवान ने दे दिया वो कभी चेंज नहीं होगा, समझने वाली बात है। लेकिन इन्होंने मेहनत करके, बहुत मेहनत की है इन्होंने, दिल्ली जाते थे, मेडिसिन खरीद के लाते थे, फिर करते थे उसके ऊपर काम, बहुत सारे काम चेंज किए हमने, और अभी भी ये बहुत अच्छा काम करते हैं। थर्सडे को गरीब लोगों को फ्री में चश्मा देते हैं, ये बहुत अच्छी इनकी वो चीज है। लुधियाना में इनकी शॉप है, कोई है आपके पास तो आप इनको भेजना, जो जरूरतमंद है उनको फ्री में हेल्प करवाती है। ये चश्मे की दुकान है इनकी अपनी, नजर का भी, धूप का भी, सबके ऊपर ये पूरा वर्किंग करते हैं। पर्पस सिर्फ एक बात समझने का है कि अगर आपका ड्राइवर कंडक्टर 2-4-8 है तो आप तकलीफ के लिए रेडी हो जाओ, वो आएगी आएगी। अब ये मत सोचना कि किस तकलीफ में आएगी। अमिताभ बच्चन पूरा का पूरा शरीर डैमेज है, पैसा बहुत है क्योंकि वो 5 बारी बना रहा है, पैसा बहुत है। नेम के स्पेलिंग 43 पे आते हैं, वो भी गलत है। 43 का मतलब क्या है, केतु, जो कंपाउंड नंबर की सर बात कर रहे थे, 43 का मतलब है हेल्थ इश्यूज आएंगे ही आएंगे। तो आ गए, बुलाया किसने, अमिताभ बच्चन ने। पिताजी उसके श्रीवास्तव लिखते थे, उन्होंने एक उपनाम को लिया, वो काम चल पड़ा। पर हमें समझना है कि वाकई क्या उसके अंदर वाइब्रेशन है, बहुत बड़ी वाइब्रेशन है। कल को आप अपने घर में किसी को पेट को लेके आते हो, कुछ भी पेट को लेके आते हो, उसको भी तो नाम देते हो ना। तभी हमारे पूर्वज कहते थे राम से बड़ा राम का नाम। तो जो भी नाम आप ले रहे हो वो अपने आप में वाइब्रेशन है, वो नाम कभी जाया नहीं होगा। जैसे कहा गया है कि जब गीता बोली गई तो आज भी वो डिकोड की जा सकती है। अभी हालांकि वो मशीनें नहीं बनी है, बट हो सकता है आज से 100 साल 200 साल बाद वो गीता को डिकोड कर ले, क्योंकि जो शब्द हमने बोले हैं वो इसी संसार में रह जाते हैं, वो कहीं जाते नहीं है। तो लाइफ के अंदर आप किसको कैसे संबोधित कर रहे हो ये बहुत बड़ी बात है।